मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कुर्ला के अपराध शाखा नंबर 5 ने ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो लोगों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने का झूठा मैसेज दिखाकर ठगी करता था। दरअसल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब आम हो गया है। लोगों को लगता है कि ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना बहुत सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन कुछ आरोपी इतने शातिर होते हैं कि अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। शिवाजी पार्क पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति दुकानों पर जाकर काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करता है और आखिर में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करता है, लेकिन वो पैसे दुकानदार तक पहुंचते ही नहीं है। इसी शिकायत के ज़रिए पुलिस ने आमिर नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के पास से 5 अलग अलग ATM कार्ड, कई मोबाइल सिम कार्ड, RC बुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि हर बार आरोपी अपने मोबाइल में से सिम कार्ड बदल कर ये ठगी करता था। नए नए जो टेक्नोलॉजी अभी नए नए आए हैं, उसी से जो क्रिमिनल लोग नया नया क्लू इस्तेमाल करके लोगों से चीट कर रहे हैं, तो ये टेक्निकल इसमें जब तक आपका कंफर्मेशन नहीं हो जाए, हमारे अकाउंट में अगर पूरा डिटेल नहीं आए, तब तक किसी पे विश्वास नहीं रखना चाहिए।